हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिबा किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोस्ट। और चिकन रोस्ट बनाने में हमें क्या क्या चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मैं 2 केजी चिकन ली हूँ और इसके बीच बीच में कट लगा दी हूँ जिससे कि मसाला इसके अंदर पूरी तरह से आ जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च कुटी हुई, नमक, लेमन जूस, 2 चम्मच बेसन, 1 गरम मसाला पाउडर, 1 फूड कलर, लाल कुटी मिर्च, जीरा पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच अरारोट पाउडर। ये सारे सामान हमें रोस्ट बनाने में लगेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, बेसन, गरम मसाला, अरारोट पाउडर, लेमन जूस जिसे हम छान लेंगे, इसकी बीज नहीं जानी चाहिए, और ये सारे मसाले इस पे डाल देंगे। मैंने सारे मसाले अपनी चिकन पे डाल दी हूँ। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला ली हूँ। अब इसे मैं 2 से 3 घंटा ऐसी रख दूंगी। मैं इसे 2 से 3 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी ताकि इसकी जो मसाले हैं चिकन में अच्छी तरीके से मिल जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। 3 घंटे के बाद मैं इसे तेल में फ्राई करूंगी। तो चलिए इसे 3 घंटे में रखती हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं इस पे अंडा ऐड करना भूल गई थी, तो मैं इसमें अभी अंडा ऐड कर रही हूँ और अंडा ऐड करने के बाद मैं इसे 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। मैंने 2 केजी चिकन ली हूँ तो इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिला के मैं 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसे 3 घंटा रखी थी, ये 3 घंटा हो चुका है। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी रख सकते हैं। मैं इसे 3 घंटा रखी थी तो चलिए इसे तेल में फ्राई करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब इस पे हम सरसों तेल डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे तेल। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे चिकन। हमें इसे मीडियम आंच में फ्राई करना है, इसलिए मैं आंच मीडियम कर दे रही हूँ और इसे बनने दे रही हूँ। अच्छे को नहीं ज़्यादा, अच्छे को रहना चाहिए। ठीक है,
तो ये देखिए हमारा रोस्ट बन के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर से हमने डाला तो ये देखिए दोस्तों हमारा चिकन रोस्ट बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अब पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।